सो गाइस मैं आज बताने वाला हूँ स्विफ्ट गाड़ी, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है भाई मेरा एसी ठंडा नहीं हो रहा है। तो ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने चला के देखा उसका कंप्रेसर ऑन हो रहा है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है। तो ठंडा ना होने का रीज़न क्या है, तो मैंने भाई गाड़ी का बोनेट जैसे ही खुला हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका बेल्ट टूट गया है, गलत हो गया, ठीक है। टाइम से चेंज नहीं किया है इसीलिए ये टूट गया है, ठीक है। तो ये टूट गया है इसीलिए ठंडा नहीं हो रहा है। इस बेल्ट को हम अभी डालेंगे, एसी बिल्कुल ठंडा होगा। और इस गाड़ी में और एक तो प्रॉब्लम क्या है भाई, जैसे बोनेट को खुला यहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है, इंजन ऑयल पूरा लीक हो गया है, ठीक है। गैस में भाई बिल्कुल भी मोबिल शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। गैस में बिल्कुल मोबिल शो ही नहीं कर रहा है। तो अपने इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और मोबिल फिल्टर सब कुछ चेंज करेंगे और एसी बेल्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसी का कारण था कि बेल्ट ठंडा नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने कैप को खोला अंदर से पूरा गद बना है, ठीक है। तो इसको टैपिट कवर भी खोल के मुझे साफ करना पड़ेगा, तब जाके ये गाड़ी बनेगा। तो अभी करता हूँ, तो गर्मी बहुत है, एसी का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शहर का गाड़ी है छोड़ दे, तुम देख सकते हो मैंने नया बेल्ट ला के रख दिया हूँ, ठीक है। इसको अभी करेंगे फिटिंग, तो इसको बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर चक्का से उठा लेता हूँ एक साइड से, ये सब करेंगे। ये देख सकते हो नया बिल्कुल, ठीक है। तो इस बेल्ट को अभी लगाएंगे अंदर, देखो कंप्रेसर का बेल्ट पूरा टूट गया है। एयर फिल्टर का कंडीशन देख सकते हो एकदम पूरा बिल्कुल चौक है, ठीक है। ये धो लो। सो गाइस फाइनली हमने देख सकते हो टैपिट कवर को खोल लिया है, इतना कचरा है भाई, ठीक है। ये टाइम से सर्विस नहीं किया गया है इसीलिए ये हालत हो गया है, ये देखो, ठीक है। एकदम पूरा ग्रीस बन गया है भाई साहब, ठीक है, सब गद बन गया है, ठीक है। तो इसको मुझे अच्छा सा अभी क्लीन करना पड़ेगा, इसका टैपिट कवर पैकिंग भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लीकेज था टैपिट कवर पैकिंग से, ठीक है। और इंजन का अंदर देखो ये क्या हालत है भाई, ठीक है। तो इसको मुझे अच्छा से एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, तब तक के लिए नीचे से इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर सब खोल दिया है, तो गाइस देख सकते हो अभी लोहे के बुरुज से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब किया जा रहा है, ठीक है। एकदम चमक जा रहा है, ठीक है। देखो देखो, ठीक है, एकदम केरोसिन तेल लेके, एकदम मिट्टी का तेल लेके एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से वॉश करा जा रहा है इसके, ठीक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरह देख सकते हो। बिल्कुल एकदम स्क्रू ड्राइवर घुसा घुसा के, ठीक है, एकदम बिल्कुल बढ़िया चमक जाएगा भी है, ठीक है। केरोसिन तेल लेके देखो, मिट्टी का तेल, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए एकदम, बाहर चमक गया है देखो। भाई देख सकते हो प्रेशर मारा जा रहा है अभी इस पर, सकते हो अभी कपड़ा मारा जा रहा है, ठीक है। जितना भी पानी है सब कपड़ा से पोछा जा रहा है, ठीक है। इसका बेल्ट लगाने के लिए ये रहा इसका एडजस्टर, ठीक है। इसको लूज करना पड़ता है और अंदर से 12 नंबर का एक तो बोल्ट है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेल्ट मैंने लगा लिया हूँ, ठीक है, अब एडजस्ट कर देंगे। तो गाइस फाइनली हमने नया सब सामान मंगा लिया है, ठीक है। ये देख सकते हो नया मेरा एयर फिल्टर है, ठीक है। ये कौन कंपनी का है, शायद हेला कंपनी का, हाँ ये हेला कंपनी का है, ठीक है। ये भी ये देख सकते हो नया टैपिट कवर पैकिंग, ठीक है। ये देखो नया ऑयल फिल्टर देख सकते हो, ये देखो नया, ये हेला कंपनी का है, ठीक है। तो सब अभी लगाएंगे इसमें, तो करते हैं फिटिंग। वो भी मेरा क्लीन हो गया है, वो भी क्लीन हो गया। अब टैपिट कवर पैकिंग को पीटा के हल्का सा बॉन्ड लगा के चिपका देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फिट। सो गाइस इसको ऊपर हल्का सा बॉन्ड दे देने का, ठीक है, एकदम बिल्कुल मामूली सा, ऐसे में तो देने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा उंगली से बिल्कुल हल्का सा बॉन्ड लगा के टाइट कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया, अब इसको बिठाएंगे। इसको बिठाओ भाई एकदम बिल्कुल आराम से, प्यार से, ठीक है। आपके पास गाड़ी है, ठीक है, तो भाई सर्विस कम से कम करवा लिया करो, गाड़ी का
सर्विस बहुत जरूरी है। ये कस्टमर जैसा मत बोलो। हाँ ये कस्टमर जैसा मत बोलो सर, सर्विस नहीं कर पाए। भाई देख सकते हो मैंने इस गाड़ी का वो 5W30 डाल रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा कैन मैंने लेकर आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि दो तो गाड़ी में डालना है, तो इसमें से डाल देना, इसमें थोड़ा सा और इसका भी डाल देंगे, ठीक है। देख सकते हो मैंने सब कुछ फाइनल कर लिया हूँ, ठीक है, ये देखो ये चमक रहा है अभी, ठीक है, और ब्रेक ऑयल भी मैंने टॉपअप कर लिया हूँ, कूलेंट भी मैंने कर दिया हूँ, ठीक है, पूरा चेंज। तो अभी करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, बेल्ट भी लग गया है मेरा। फाइनली हमने गाड़ी को पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी का बेल्ट, सब कुछ भी हमने कर दिया हूँ, ठीक है। तो अंदर जाके देखो ठंडा होगा, देख सकते हो मैंने थर्मोमीटर ले लिया हूँ, ठीक है, अभी से चेक करेंगे। ये अभी है 30 पे, ठीक है, ये 10 पे आ जाएगा, ठीक है, तब कम होता जा रहा है टेम्परेचर। ये भाई 10 पे आ जाएगा, ठीक है, 27-26, ठीक है, तब तक ये आ जाएगा भाई, ठंडा हो रहा है, अच्छा ठंडा हो रहा है, ठीक है। ये मशीन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, 10 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो गाइस देख सकते हो ये 15 आ गया है, ठीक है, ये कम रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी कम होते जा रहा है, ये देखो 15-14, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही।